नमस्कार दोस्तों, पनामा कुकिंग में आपका स्वागत है। आज बनाएंगे बिना मसाले तेल का चना चाट। तो चलिए शुरू करते हैं। अंकुरित चने का चाट बनाने के लिए देसी चना लेंगे। चने को 2 से 3 पानी धोने के बाद 5 से 6 घंटे के लिए भिगो देंगे। चना फूलने के बाद इसे साफ कपड़े में निकाल लेंगे। कपड़े की पोटली बना लेंगे। इस पोटली को कहीं टांग देंगे। एक दिन के बाद चना अंकुरित हो जाएगा। चने को सूती कपड़े में बांध के रखने से चना अंकुरित हो गया है। अब इसको पकाएंगे। चने को पकाने के लिए कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई को गैस पर रखेंगे। कढ़ाई में चने को डालेंगे। एक कप पानी डालेंगे। आधा चम्मच नमक डालेंगे। इसको चने का पानी सूख जाने के बाद इसको 1 मिनट के लिए भून लेंगे। आप चाहे तो चने को उबाल सकते हैं, क्योंकि ऐसे बनाएंगे चाट तो बहुत अच्छा लगेगा। चना भून गया है। गैस को बंद कर देंगे। देखिए चना अच्छे से गल गया है। चाट बनाने के लिए चने में बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। बारीक कटा हुआ मूली डालेंगे। बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे। बारीक कटा हुआ हरा मिर्च डालेंगे। उबला हुआ आलू डालेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में काट के। धनिया की पत्ती को डालेंगे। भुना हुआ जीरा डालेंगे। सादा नमक डालेंगे। नमक स्वाद के हिसाब से डालेंगे, क्योंकि नमक पहले डाल चुके हैं। आधा चम्मच काला नमक डालेंगे। 1 चम्मच चाट मसाला डालेंगे और सबको मिक्स करेंगे। फिर डालेंगे नींबू का रस। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ग्रीन चिली सॉस डालेंगे। मिक्स कर देंगे। और लास्ट में इसमें डालेंगे नमक। हेल्दी चटपटी चना चाट बनके रेडी है। आप इसे चाहे तो सुबह नाश्ते में भी बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।